मध्य प्रदेश में शराबबंदी के मुद्दे पर पूर्व सीएम उमा भारती ने यू टर्न ले लिया है। शिवराज सरकार से नाराज दिखाई देने वाली उमा का कहना है कि शिवराज ने शराब नीति में बदलाव का भरोसा दिया है। खुद सरकार गांधी जयंती पर प्रदेश में बढ़ रही शराब एवं नशे की लत के खिलाफ जागरूकता का कार्यक्रम करेगी। हालांकि वे 2 अक्टूबर को भोपाल में महिलाओं के साथ मार्च निकालने डाल की करके बात कह रही आएगा, हैं। इसलिए इससे पहले वितरण उमा शराब प्रणाली के में मुद्दे पर इतने इतना शिवराज दुरुस्त सरकार करो को उसको। घेर चुकी हैं। भोपाल की शराब दुकान ने पत्थरबाजी करने के साथ समय समय पर वे आंदोलन भी करती रही हैं। करीब 2 महीने पहले उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को 3 पेज का लेटर लिखा और इसे सार्वजनिक भी किया था। लेटर में उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी पीड़ा जाहिर की थी। उमा ने सभी भाजपा शासित राज्यों में एक जैसी शराब नीति लागू करवाने की मांग की थी। आदेश देंगी कि आप शराब हमको शराब से संकट नहीं आना चाहिए। आप हमारे पति को घर में बोतल लेके आने, तो फिर हम निपट लेंगे। लेकिन आप पिला के ही भेजोगे तो कैसे होगा? वो पी के ही आएगा तो कैसे होगा? वो तो सबको संकट में डाल के आएगा, खुद को भी संकट में डाल करके आएगा। इसलिए वितरण प्रणाली में इतने इतना दुरुस्त करो उसको कि लोग बाहर पी ही ना पावें, और दुकानें हों घर पे ले जाएं। और जो मैंने आपको पहले कहा उसको मैं रिपीट नहीं करूंगी, आपका समय जाया नहीं करूंगी। आज मेरे को इसकी चिंता नहीं कि आप कितना दिखा पाओगे, आज ज़रूरी ये थी कि मैं आपको अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करती। आज तो मैं आपको अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही हूँ, बहुत ज़रूरी था कि इस बीच में क्या क्या घट गया है। मेरे को बोलने की आवश्यकता इसलिए नहीं थी क्योंकि शिवराज जी बोल रहे थे।